आज मैं बनाऊंगी रबड़ी। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है और इसको हम उबालेंगे गैस जलाकर, और 8 से 10 बादाम, 5-6 हरी इलायची ले रखी हैं। जब ये रबड़ी बन जाएगी फिर हम उससे गार्निश करेंगे। सबसे पहले गैस जलाएंगे और दूध को उबलने के लिए रख देंगे। जब ये उबलने लगेगा फिर हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए दूध उबलने लगा है। अब हम गैस तेज करके ऐसे उबालेंगे, फिर जब ये ऊपर आने लगेगा गैस तुरंत धीमा कर देंगे। पूरा ध्यान देना है कि ये नीचे न गिरने पाए दूध, और इसके तले में चिपकने ना पाए, तो इसलिए इसको बीच बीच में ऐसे चलाते रहें और इसको खूब गाढ़ा होने देंगे। बादाम को मैंने ऐसे बारीक बारीक काट लिया है। इलायची, हरी इलायची को मैंने कूट के रख लिया है। और मैं चीनी बताना भूल गई थी, तो चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम मीठा या ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 टेबल स्पून चीनी ले रखी है। तो दूध अच्छे से उबल रहा है, इसको खूब पकाना है चला चला के, जब तक ये खूब गाढ़ा ना हो जाए। दूध खूब अच्छे से गाढ़ा हो गया है और इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। और चीनी भी डाल देंगे। बस इसको थोड़ा सा और गाढ़ा होने देंगे 5 मिनट, और उसके बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। इलायची और चीनी डालने के बाद मैंने इसको 5 मिनट और चलाया था। अब ये बहुत अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब हम इसको एक बर्तन में पलट देंगे। अब हम इसको कटे हुए बादाम से गार्निश कर देंगे। ये देखिए रबड़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत टेस्टी बनी हुई है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। थोड़ी मेहनत लगती है पर बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।